हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज रोहित। दिस इज द पार्ट फोर हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग VLW एग्जाम, वेटनरी फार्मासिस्ट, स्टॉक असिस्टेंट, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, कुछ न्यू वैकेंसीज भी एडवर्टाइज हुई हैं। हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को हम कवर कर रहे हैं एंड सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इससे पहले 3 पार्ट्स मैंने अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ, आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। उनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, उसे भी जरूर वॉच कर लीजिए। माय टारगेट इज की आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस थियोरटिकल पार्ट आई विल स्टार्ट MCQ सीरीज ऑन हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो एट द एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल दिस सीरीज यू विल फील मच मोर कॉन्फिडेंट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे पहले थ्योरी करेंगे, देन उसके बाद MCQ करेंगे। आपके सामने ये जो बुक है खलील पब्लिकेशन के जाहिर अहमद मीर इस बुक के ऑथर हैं एंड अच्छी बुक है। इसमें जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी एज इट इज़ मैं शेयर कर रहा हूँ। देन आफ्टर दिस मैं आपके साथ MCQ शेयर करूँगा। MCQ सेशन में आपके लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन भी होगी जो रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हम टॉपिक वाइज MCQs भी आपके यहाँ पे लाने वाले। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। देखो लाहौर डेंसिटी तक हमने कर चुके थे, देन अब इसके बाद आपका हमारा मुस्लिम रूल स्टार्ट हो जाएगा। मुस्लिम रूल की शुरुआत मतलब इसकी नींव रिंचिन जो प्रिंस थे कश्मीर के, जब उन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया था देन उसके बाद उन्होंने शुरुआत कर दी थी। बट ओरिजिनल फाउंडर जो मुस्लिम डायनेस्टी के वो माने जाते हैं शाहमीर। तो आज हमने यहाँ से शाहमीर डायनेस्टी यानी कि मुस्लिम रूल इन कश्मीर हम शुरुआत कर रहे हैं। मुस्लिम रूल को आज हम ख़त्म कर देंगे, देन उसके बाद हम करेंगे मुगल्स, देन उसके बाद हमारा हिस्ट्री ऑफ जम्मू स्टार्ट हो जाएगा। तो अब एक वीडियो और आएगा, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर खत्म, फिर जम्मू के 2 पार्ट्स आएंगे, फिर उसके बाद आपके लिए आएंगे MCQ सीरीज। ओके, तो सारे वॉच कर लीजिएगा, मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, सारे वीडियोस आप सिस्टमेटिकली वॉच कर सकते हैं। ओके, देखो रिंचिन का नाम आप याद रख लीजिएगा, बट जो ओरिजिनल फाउंडर माने जाते हैं वो शाहमीर डायनेस्टी के लाइक शाहमीर ही है। ओके, मुस्लिम रूल की शुरुआत इनके द्वारा की गई थी। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो जो आपको याद रखने हैं, जब इन्होंने लाइक असेंडेड द थ्रोन अंडर द नेम ऑफ सुल्तान शमसुद्दीन के नाम से इन्होंने इस राजगद्दी को यानी कि मुस्लिम डायनेस्टी का अपना लाइक थ्रोन को संभाला, ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। ओके, जितने नाम हैं इतना भी अगर आप इतना एक स्टूडेंट का कमेंट मैं देख रहा था कि सर इसमें आधी इन्फॉर्मेशन है, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बुक में। सो लेट मी क्लियर यू वन थिंग, अगर आप इतनी इन्फॉर्मेशन भी अच्छे से करके जाते हो तो यकीन मानो आपका क्वेश्चन हर एग्जाम कोई भी क्वेश्चन एग्जाम पेपर उठा लो, वो एक्सेप्शनल केसेस रहते हैं कि आप JKSS भी पूछ देगा कि कौन सा फोर्ट किस ईयर में या कोई ऐसा फोर्ट पूछ देगा, वो कई बार आपने देखा, वो एक्सेप्शनल चीज़ें होती हैं, उनको हम कभी कर भी नहीं सकते, वो क्वेश्चन होते ही ऐसे जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं। बट जो हिस्ट्री है जहाँ से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं वो आपको इस बुक से मिल जाएंगे। ओके, बाकी जैसे मैंने आपको कहा MCQ सीरीज में हम कोशिश करेंगे कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए यहाँ शेयर करें। तो असेंडेड द थ्रोन विद द नेम ऑफ सुल्तान शमसुद्दीन, ये पॉइंट आपने याद रखना है, इनके नाम से इन्होंने अपनी ये डायनेस्टी स्टार्ट की। अब इसके देखो इनके कमांडर इन चीफ का नाम आप याद रखें, कमांडर इन चीफ का नाम था लनकर चक। देखो ये 3 पर्सनैलिटीज जो मैंने आपको बताई थी सुहादेव के दौरान आई थी, एक रिंचिन आए थे लद्दाख के जो प्रिंस थे, देन उसके बाद जो शाहमीर आए थे एंड उसके बाद जो तीसरे आए थे लनकर शाह, यहाँ पे आपको आप यहाँ पे देख भी सकते हो, अगेन मैं रिपीट करा रहा हूँ, लनकर चक ये थे दर्द डायनेस्टी के नियर गिलगिट, शाहमीर स्वाट टेरिटरी के, रिंचिन लद्दाख से, इन तीनों ने सुहादेव के टाइम यहाँ पे कश्मीर में एंट्री ली थी एंड कमांडर इन चीफ बने ये लनकर चक किसके शाहमीर के, ओके शमसुद्दीन जिसके नाम से उन्होंने अपना थ्रोन असेंड किया था। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट रूलर्स के नाम आपने याद रखने हैं शाहमीर डायनेस्टी के, एक सुल्तान शिहाब उद्दीन एंड सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन, ये 2 इंपॉर्टेंट नेम जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं के रिलेटेड पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस इन दोनों के रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं। अब शिहाब उद्दीन की शुरुआत करते हैं, इनके बारे में क्या क्या चीज़ें मैंशन है। सबसे पहले तो ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर किसे बोला जाता है, वो है शिहाब उद्दीन। देखो कुछ जो टाइटल्स हैं जैसे आपसे औरंगजेब ऑफ कश्मीर आपसे पूछ देगा, औरंगजेब ऑफ कश्मीर किसे बोला जाता है, वो है हमारे सिकंदर, ये हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, अकबर ऑफ कश्मीर ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, अकबर ऑफ कश्मीर किसे हम बोलते हैं, ज़ैनुल अबिदीन को बोलते हैं। कैथराइन ऑफ कश्मीर किसे बोलते हैं, हम कैथराइन ऑफ कश्मीर हम बोलते हैं जिनके बारे में हमने कल ही मैंने आपको करवाया था, क्वीन दीदा को हम कैथरीन ऑफ कश्मीर बोलते हैं। देन उसके बाद नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर हम किसे बोलते हैं, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर हम बोलते हैं हब्बा खातून को। तो ये कुछ टाइटल्स इनको दिए गए एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वे आप ध्यान रखें।
अब हम बात कर रहे हैं शिहाब उद्दीन की, ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर ये इनको बोला जाता है। काफ़ी इन्होंने अपने दौरान जंगें लड़ी, सिंध में गए, वहाँ पे डिफ़ीट किया रूलर को। दैन उसके बाद आते टाइम अफगान्स नियर पेशावर, काबुल को कॉन्कर किया, गजनी कांदार स्वात एंड मुल्तान टेरिटरी को इन्होंने कॉन्कर किया। काफ़ी अच्छे रूलर थे, एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे, एंड इनके दौरान लाइक काफ़ी लाइक आप जस्टिस कह सकते हो, हिज गवर्न्ड हिज किंगडम विद फर्मनेस एंड जस्टिस। इनके दौरान जो पॉइंट आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें, दो इंपॉर्टेंट रूलर जो हिंदू मिनिस्टर्स थे उनका नाम आप याद रखें, कोटा भट्ट एंड उदयश्री। कोटा भट्ट एंड उदयश्री दो इंपॉर्टेंट हिंदू मिनिस्टर्स थे शिहाब उद दीन के दौरान। तो इतने पॉइंट्स आप याद रखें। देन उसके बाद इसके रिलेटेड देखो, कई मैंने जैसे आपको बताया हिस्ट्री हमारी हमेशा कुछ ना कुछ डाउट में रहती ही है। अगर मैं जेएंडके की पर्टिकुलरली बात करूँ तो कई जगह ये मेंशन था कि ललित आदित्य द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया था लाइक शादीपुरा का, बट इस बुक में मेंशन है आपका लाइक इनके द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया था शिहाब उद्दीनपुरा, एंड इस अपने ही नाम पे इन्होंने रखा था जिसको हम प्रेजेंटली शादीपुरा बोलते हैं। तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं, आप शादीपुरा टाउन का फाउंडेशन स्टोन ये रखा किया था शिहाब उद्दीन ने, जिन्होंने अपने नाम से इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। उसके बाद आगे देखते हैं सेकेंड रूलर जो इम्पोर्टेंट रूलर कुतुबुद्दीन के बारे में पढ़ रहे थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर लाइक शिहाबुद्दीन और ज़ैनुल अबिदीन है, बट सिकंदर भी ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में हमने पढ़ना है। अब कुतुबुद्दीन के बारे में बात करें, सुल्तान कुतुबुद्दीन वॉज द नेक्स्ट रूलर एंड हिज रियल नेम वॉज हिंदल। इनका रियल नेम यहाँ से पूछा जा सकता है कि कुतुबुद्दीन का रियल नेम क्या था, तो इनका रियल नेम था हिंदल, ये आप याद रखें। उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है, मोस्ट रिमार्केबल थिंग डैट हैपन्ड इन ड्यूरिंग द रीन ऑफ कुतुबुद्दीन, डैट द अराइवल ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड डैट इज मीर सईद अली हमदानी। इनके दौरान ही इनका यहाँ पे मेंशन किया गया इम्पॉर्टेंट ये पर्सनैलिटी ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड सर मीर सईद अली हमदानी। इनका नाम आप याद रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसके दौरान ये आए, तो कुतुबुद्दीन के दौरान इनका यहाँ पे मेंशन किया गया। एंड इन्होंने यहाँ के काफ़ी काम किया, या डिफरेंट मिशनरीज एक्टिविटीज स्टार्ट की थी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वैली। तो ये नाम आप याद रखें कि किसके दौरान इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड एंटर हुए थे कुतुबुद्दीन, एंड इनका ओरिजिनल नेम क्या था कुतुबुद्दीन का, हिंदल नाम इनका इंपॉर्टेंट था, ये आप यहाँ पे याद रखें। तो अभी तक हमने शिहाबुद्दीन के बारे में देखा, ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर ये आप याद रखें इंपॉर्टेंट, दो हिंदू रूलर्स का नाम आप याद रखें कोटा भट्ट एंड उदयश्री, शादीपुरा का फाउंडेशन स्टोन किया इन्होंने यानी कुतुबुद्दीन, इसके बाद नेक्स्ट रूलर इनके इस डायनेस्टी के, देन इनके दौरान इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो सर सईद अली हमदानी का इनका एंट्रेंस हुआ था कश्मीर में, ये आपने यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे सिकंदर, सिकंदर के बारे में देख लेते हैं। सिकंदर ने सिकंदर सुल्तान कुतुबुद्दीन ये बेटे थे लाइक सिकंदर इनके बेटे थे, ये सिंपल था आप याद रखें। औरंगजेब ऑफ कश्मीर के नाम से इनको जाना जाता था, औरंगजेब ऑफ कश्मीर ही इज़ द फर्स्ट इंडियन रूलर टू हैव एबॉलिश द कस्टम ऑफ साती, सती का जो लाइक कस्टम चल रहा था इसको एबॉलिश किया। आपसे पूछ सकता है कि सिकंदर लाइक किसने जो सती प्रथा चल रही थी, यानी कि कोई औरत विधवा हो जाती है तो उसको उसी चिथा में उसके पति के साथ जला दिया जाता, तो इस कस्टम को एबॉलिश किया सिकंदर ने, ये आप याद रखें। कान काही मोला वॉज बिल्ड ड्यूरिंग हिज रेन, तो ये पॉइंट आप याद रखें, कान काही मोला किसके दौरान बना था, ये सिकंदर के दौरान बनाया गया था। अब आते हैं जी हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ज़ैनुल अबिदीन, एंड मैक्सिम क्वेश्चंस भी ज़ैनुल अबिदीन के रिलेटेड ही पूछे जाते हैं, जिन्हें बुड शाह के नाम से जाना जाता था। बुड मस्जिद किसने बनाई थी, वहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना, बुड मस्जिद पहली रिंचन ने बनाई थी, ओके, जो फर्स्ट मॉस्की हो, जो हमारा कश्मीर का फर्स्ट मॉस्की था, आई होप आपको याद होगा, एंड आई थिंक यहाँ पे आपको मिलेगा हाँ ये देखो, ये रिंचन के बाद ही बिल्ड द फर्स्ट मॉस्की इन द कश्मीर विच इज़ नोन एज बुड मस्जिद, तो ये रिंचन ने बनाई थी। एंड बुड शाह किसको बोलते हैं हम, ये ज़ैनुल अबिदीन को बोलते हैं, तो यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं कर देना आप, कहीं वहाँ ऑप्शन आया तो आप बोलो कि हाँ वही है, ओके, तो यहाँ पे अपने ध्यान रखना है। अब आगे देख लेते हैं इसके रिलेटेड, अब आपने क्या क्या पढ़ना है, ज़ैनुल अबिदीन बुड शाह जो नाम आपने याद रखना है, ज़ैनुल अबिदीन इनका ओरिजिनल नेम था, देन उसके बाद लाइक और अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से भी इन्हें जाना जाता था, ये आपने याद रखना है। एंड इनके बारे में देखते ही ऑर्गेनाइज्ड ह्यूज आर्मी विद द हेल्प ऑफ इट्स एंड विद द हेल्प ही कॉन्कर्ड द वेस्टर्न डिफरेंट पार्ट्स ऑफ
उन्होंने पंजाब, वेस्टर्न तिब्बत, लद्दाख, बाल्टी रीजन, इन सारी चीज़ों को कॉन्कर किया। ओके, अब इसके बाद देखो इनके ना, इनके दौरान जो चीज़ें हुई हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्या क्या इनके जो लाइक आप कह सकते हो अचीवमेंट्स थे वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सुल्तान जैनुल अबिदीन जब ये थे, रूल कर रहे थे, तो कश्मीर लाइक अदर कंट्रीज़ फॉरेन रिलेशंस भी हमारे अच्छे थे विद द डिफरेंट कंट्रीज़। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस की बात करते हैं इसमें हम, ड्यूरिंग द जैनुल अबिदीन, जैनुल अबिदीन इम्प्रूव्ड द टोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच ही हैड बिन रूडली शेकन। तो इन्होंने इस सिस्टम को और बेटर करने की कोशिश की। ये सारी एक थ्योरी है, इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वही मैं आपको याद करूँगा, अदरवाइज एज रीड आउट करने की बात हो गई है। आप इसे एक बार पढ़ भी सकते हो बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं आपको बताऊँगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें इसमें, जजिया वॉज ऑल्सो एबॉलिश्ड। तो जजिया को अबॉलिश इन्हीं के दौरान किया, तो टैक्सेशन सिस्टम था, जजिया वॉज अबॉलिश्ड इन ड्यूरिंग दिस जैनुल अबिदीन। ओके, जजिया भी अबॉलिश हुई थी। एक सती प्रथा को किसने रोका था? सिकंदर को। जजिया को किसने अबॉलिश किया था? सुल्तान जैनुल अबिदीन ने। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स अब याद रखें। एग्रीकल्चर का मेंशन है दौरान, इनके दौरान क्या हुए थे, एग्रीकल्चर के रिलेटेड उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। लैंड रेवेन्यू सिस्टम का सेटलमेंट इनके दौरान किया गया था। कैनाल्स इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बनाया। इरिगेशन सिस्टम को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया, जैनुल अबिदीन की बात कर रहे हैं। तो फ्लड्स के दौरान जो फ्लड काफ़ी ज़्यादा आते थे, उन सारी चीज़ों से बचने के लिए काफ़ी अच्छा काम किया इन्होंने। इरिगेशन सिस्टम को हालांकि इम्प्रूव किया था सुल्तान जैनुल अबिदीन के दौरान ने। ओके, हैंडीक्राफ्ट्स काफ़ी ज़्यादा लाइक आप कह सकते हो एक पीक पे था ड्यूरिंग जैनुल अबिदीन। जैनुल अबिदीन टू ग्रेट इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। ओके, ही इन्वाइटेड ट्रेन क्राफ्ट्समैन फ्रॉम अदर कंट्रीज, स्पेशली फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू ट्रेन हिज सब्जेक्ट। तो सेंट्रल एशिया से इन्होंने आर्टिजन्स को इन्वाइट भी किया था कश्मीर में, लोगों को पश्मीना शॉल्स का बनाने का जो कला, पश्मीना जो अभी वर्ल्ड वाइड फेमस है, इंट्रोड्यूस द आर्ट ऑफ मेकिंग पश्मीना शॉल्स फ्रॉम तिब्बत। तो ये चीज़ यहाँ इन्होंने स्टार्ट की थी। ओके, ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस वुडन आर्किटेक्चर एंड वुडन कार्विंग इन द कश्मीर। तो वुडन आर्किटेक्चर एंड वुडन कार्विंग्स की शुरुआत भी जैनुल अबिदीन द्वारा की गई थी। जैनुल अबिदीन वॉज अ ग्रेट पैट्रॉन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। इन्हीं के दौरान राज तिरंगनी का सेकेंड पार्ट जोना राजा द्वारा कंप्लीट किया गया था। पहला पार्ट आप लोग जानते हो जो कल्हाना द्वारा लिखा गया था, राज तिरंगनी का सेकेंड पार्ट जो कंप्लीट किया गया था जैनुल अबिदीन के टाइम ही किया गया था। एंड किसने किया था? ये किया था जी आपके जोना राजा द्वारा सेकेंड पार्ट। ओके, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है बायोग्राफी ऑफ सुल्तान डैट इज जैनुल अबिदीन जैन प्रकाश। तो जैन प्रकाश इनकी आप नाम से ही आपको लिंक मिल ही जाएगा, जैनुल अबिदीन जैन प्रकाश इनकी बायोग्राफी का नाम है। एंड इनकी जो इस बायोग्राफी के जो ऑथर हैं वो हैं युद्ध भट्टा। ये पॉइंट आप याद रखें, युद्ध भट्टा वॉज द ऑथर ऑफ द बायोग्राफी ऑफ जैनुल अबिदीन विद द टाइटल जैन प्रकाश। ओके, इन्हीं के दौरान इन्होंने ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट भी एस्टैब्लिश किया था एंड ही कॉज द महाभारत, रामायण एंड राज तिरंगनी टू बी ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन। इन्हीं के द्वारा ये ट्रांसलेट करवाया गया था बाय ट्रांसलेट लाइक जो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनाया गया था, राज तिरंगनी, महाभारत, रामायण को ट्रांसलेट इन्होंने पर्शियन में करवाया था। इन्हीं के दौरान हुआ था ये सब कुछ। ओके, ही ओपन मैनी स्कूल्स टू स्प्रेड नॉलेज। स्कूल्स वगैरह का काफ़ी ज़्यादा जिन्होंने लाइक ओपन वगैरह करवाए थे। इसमें आर्किटेक्ट्स की अगर बात करें तो इनके द्वारा एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया था नवा शहर, नवा पार्ट ऑफ द सिटी। नवा शहर का फाउंडेशन स्टोन जैनुल अबिदीन द्वारा रखा गया था। ही ऑल्सो फाउंडेड द टाउन ऑफ जैनापुर, जैनाकूत एंड जैनागिर, ये फाउंडेशन स्टोन रखा था। एंड फर्स्ट वुडन ब्रिज अगर हम बात करें जिन्हें हम जैना गदल के नाम से जानते हैं, कश्मीर का फर्स्ट वुडन ब्रिज जैना गदल का फाउंडेशन स्टोन भी जैनुल अबिदीन ने रखा था, जो आपको नाम से ही पता चल जाएगा। आर्टिफिशियल आइलैंड भी इन्होंने वुलर लेक पे बनाया था बाय द नेम ऑफ जैन लैंक। जैन लैंक के नाम से आर्टिफिशियल आइलैंड जो बनाया था जैनुल अबिदीन द्वारा ही बनाया गया था। लगभग इन्होंने 50 साल तक रूल किया था एंड इनकी डेथ के बाद ही साउंडेड द डेथ एंड नील ऑफ द शाहमीर डायनेस्टी। यानी कि इनकी डेथ के बाद ही लाइक कहते हैं ना कि शाहमीर डायनेस्टी की एक डिक्लाइन पीरियड स्टार्ट हो गया था। लास्ट रूलर अगर मैं बात करूं, हबीब शाह थे लास्ट रूलर ऑफ शामिर डायनेस्टी। शामिर डायनेस्टी के लास्ट रूलर, पहले रूलर तो आपको पता है मैं शामिर बता दिए, लाइक हबीब शाह लास्ट रूलर थे शामिर डायनेस्टी के, ये आप याद रखें। एंड इसके बाद अगर हम बात, ही वॉज एन इनकम्पिटेंट पर्सन एंड डिपोज्ड बाय द मिलिट्री कमांडर गाजी चक। यानी कि
इनकम्पिटेंट थे, हबीब शाह इतने ताकतवर नहीं थे, गाजी चक द्वारा इन पे हमला किया एंड उसके बाद जाके गाजी ने फाउंडेशन स्टोन रखा चक डायनेस्टी का। देन उसके बाद चक डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है। चक डायनेस्टी जैसे आपको बताया, हबीब शाह के साथ लड़ाई लड़के गाजी चक ने लड़ाई जीती एंड उसके बाद गाजी चक डायनेस्टी का फाउंडेशन स्टोन रखा। तो चक रूल आ गया जी। चक रूल बेसिकली कहाँ के थे, ओरिजिनली फ्रॉम द रेजिडेंट्स ऑफ गिलगित हुंजा नियर एरिया के रिलेटेड थे ये। गुंजन गिलगित एरिया के से ये आए थे बेसिकली। शामिर के दौरान ही ये सेटल्ड हो गए थे। देन उसके बाद इन्होंने आक्रमण किया हबीब शाह पे। देन यहाँ पे अपनी डायनेस्टी का फाउंडेशन स्टोन रखा। अब चक डायनेस्टी के का एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट मैंशन है ड्यूरिंग दिस रेन, दैट इज द ही चक डायनेस्टी सक्सेसफुली रेजिस्टेड द अटेम्प्ट्स ऑफ बाबर एंड हुमायूं टू एनेक्स द कश्मीर। यानी कि बाबर एंड हुमायूं जब कश्मीर में एनेक्स करने की कोशिश कर रहे थे तो चक डायनेस्टी उस टाइम थे, तो इन्होंने उस चीज़ को रेजिस्ट किया एंड वो उनको एंटर नहीं होने दिया। तो ये पॉइंट जो एक इंपॉर्टेंट हिस्ट्री मैंशन है, ये पूछ सकते हैं कि बाबर एंड हुमायूं ने किसके दौरान कश्मीर में एंटर करने की कोशिश की थी और नहीं कर पाए थे, तो वो चक्स के दौरान जो इन्होंने एंटर करने की कोशिश की थी। अभी इसमें इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट रूलर यूसुफ शाह चक। ओके, यूसुफ शाह चक ये वही हैं जिनकी शादी हब्बा खातून से हुई थी, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, जो काफ़ी सेलिब्रेटेड पोइटस यानी कि एक जिनको हम कवि बोलते हैं। ओके, उसके बाद इन्होंने गुलमर्ग एंड सोनमर्ग को हॉलीडे रिजॉर्ट्स में चेंज किया यूसुफ शाह चक की अगर हम बात करें। एंड ही ट्राइड हिज बेस्ट वॉर्ड ऑफ द एक्सपेंडिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द मुगल्स बट इवेंचुअली कम टू द फोर्सेज ऑफ अकबर एंड डाइड इन प्रिजन। तो इसके बाद मुस्लिम्स का एंटर होता है बट अकबर के दौरान अकबर वैसे भी अटैक करने की कोशिश कर ही रहा था। तो अब ये इन्होंने कोशिश तो अपनी तरफ से काफ़ी अच्छी की बट नहीं कर पाए एंड इवेंचुअली कम टू द फोर्सेस ऑफ अकबर एंड डाइड इन प्रिजन इन बिहार। तो इनको जेल भी ये पूछा कई बार जाता है कि किसको जेल हुई थी जो बिहार में जाकर जिनकी डेथ हुई थी, वो यूसुफ शाह चक की। ओके, मुगल आर्मी अंडर कासिम खान बीर रिफीटेड शामिर आर्मी एट हरीरपुरा एंड दिस पेव टू द मुगल्स अंडर इन कश्मीर। देन उसके बाद वही चीज़ मैंने आपको बताई, शामिर आर्मी को जो मुगल आर्मी थी कासिम खान मीर बरार, तो ये इनकी आर्मी द्वारा जो शाह आर्मी को डिफीट किया हरीरपुरा में एंड मुगल्स ने अपनी कदम रखा कश्मीर में। ओके, मुगल्स एंटर्ड श्रीनगर, इन्होंने एंटर किया था 14 अक्टूबर 1586 को। तो ये डेट आप याद रखें मुगल्स ने कब एंटर किया था एंड फिर अपनी फाउंडेशन स्टोन रखी थी। फिर उसके बाद आपका मुगल स्टार्ट हो गया था। जो फर्स्ट गवर्नर बने थे मुगल आपको अगर मुस्लिम मुगल्स के, वो कासिम खान ही थे, वो हम आगे वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने क्या चीज़ की, आज के वीडियो में हमने मुस्लिम रूल को कवर किया एंड इसमें हमने इंपॉर्टेंट जैनुल अबिदीन के बारे में पढ़ा, सुल्तान शिबासुद्दीन के बारे में पढ़ा, कुतुबुद्दीन के बारे में पढ़ा, सिकंदर के बारे में पढ़ा, यूसुफ शाह चक के बारे में पढ़ा एंड जैनुल अबिदीन के बारे में पढ़ा, शामिर के बारे में पढ़ा। ओके, तो ये सारे जितने भी चीज़ें हैं आप इनको नोट डाउन करें। ये चीज़ें भी आप अगर कर लेते हो तो आप काफ़ी अच्छे से आप कॉन्फिडेंस फील करोगे। इसके बाद जब हम एमसीक्यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी बेटर लगेगा हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अगर आपको इसमें कोई भी आपका डर था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, मुगल्स को स्टार्ट करेंगे, एक दिन में मुगल्स कर लेंगे, देन उसके बाद हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू की शुरुआत करेंगे। सो गाइस, थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून।